मित्रों जय श्री राम, राधे राधे। यूट्यूब चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज की कथा श्री रामचरितमानस से है। प्रभु श्री राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी और भार्या सीता जी के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तो एक बार प्रभु श्री राम माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र का दुष्ट पुत्र जयंत आकर उनके साथ मूर्खतावश कुछ उदारता किया। आज जयंत की कुटिलता की कथा को हम कहेंगे। चलिए पहले प्रभु की वंदना करते हैं, उसके बाद फिर कथा कहते हैं। या देवी सर्वभूतेश मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीदि मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीदि विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्यकारी, भानु शशि भूम्भूत्सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतौ, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। जय श्री राम, राधे राधे। चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा चालू करते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार प्रभु श्री राम माता सीता के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से गहने बनाकर और बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीते पहराए प्रभु सादर, और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठकर आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाने लगे। तसुर पति सुत धरिवाय सुवेखा, असठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपली का सागर था, महामंद मति पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत सुरपति सुत धरि वायस देखा, असठ चाहत रघुपति बल देखा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर, कौवे का रूप धर कर श्री राम जी के बल का परीक्षा लेना चाहता था। जिम पिपिल का सागर था, जिस प्रकार महान मंद बुद्धि चीटी, जिम पिपिल का सागर था महामंद मति पावन चाहा, जिस प्रकार महान मंद बुद्धि चीटी समुद्र का था पाना चाहती है, ठीक उसी प्रकार वो जयंत कर रहा था। तो सीता चरण चौंच हति भागा,
मूढ़ मंद मति कारण कागा अचला रुधिर रघुनायक जाना असी के धनुष सायक संधाना। सीता चरण चोच हतिभागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। वह मूर्ख जयंत मंद बुद्धि होने के कारण कौवा का रूप धर कर या कौवा का रूप धारण कर माता सीता के चरणों में चोंच मार कर भागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, जब उनके चरणों से खून की धारा बह चली सीक धनुषायक संधाना। तब प्रभु श्री राम को मालूम हुआ और धनुष पर सीक का बाण चढ़ाया। तो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई कीन्ह छलू मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो कि अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं, दया के सागर हैं, जिनका दीनों पर, गरीबों पर, असहायों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी वो मूर्ख जयंत आकर छल किया। तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर्वधावा अचला भाजिवायस भय पावा धारिन जिरूप गयो पितु पाही आराम विमुख राखाते ही नाही। प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, प्रभु श्री राम के द्वारा मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण जयंत रूपी कौवा के पीछे दौड़ा। चला भाजी वायस भय पावा, वायस माने कौवा, जयंत रूपी कौवा के पीछे दौड़ा और वो कया कौवा धर निज रूप गयो पितपाही भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर अपने पिता इंद्र के पास गया। पर राम विमुख राखाते ही नहीं, श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको शरण नहीं दिया, इंद्र ने उसको अपने महल में नहीं रखा। तो भा निरास उपजी मन त्रासा अजथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्मधाम सिउपुर सब लोका अफिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आज समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता रहा। तो काहू बैठन कहा न ओही अराखी कुसकई राम कर द्रोही मातु मृत्यु पितु समन समाना अशुधा हुई बिसि सुन हरि जाना। उस दुष्ट जयंत को शरण देना तो दूर की बात है, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। प्रभु श्री राम जी के द्रोही को कौन कह सकता है, कौन रख सकता है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मातु मृत्यु पितु समान समाना, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और
सुधा हुई विष सुन हरि जाना, और अमृत विष के समान हो जाता है जो प्रभु श्री राम का द्रोही होता है। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।